वेलकम बैक स्टूडेंट्स एक नए टॉपिक के साथ जिसमें हम आज अरिस्टोटल्स की थेरी ऑफ सिटीजनशिप और स्लेवरी के ऊपर बात करेंगे होप यू हैव सब्सक्राइब द चैनल बी पॉलिटिकल साइंस टू रिसीव द न्यू अपडेट्स रिगार्डिंग एनी ऑफ द टॉपिक इन पॉलिटिकल साइंस सो लेट्स स्टार्ट डिस्कशन अबाउट अरिस्टोटल्स सिटीजनशिप एंड सिलेबरी इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक अरिस्टोटल वट अरिस्टोटल व्यूज अबाउट स्लेवरी एंड सिटीजनशिप एरस्टोटल जो था वो uh, उसके हाँ उसने इन लोगों को दर्जा नहीं दिया कोई अहमियत नहीं दी खातन को भी बूढ़ों को भी और uh, इस तरह से उसने ट्रेडिशनल फ़िलासफ़र्स की उस कैटेगरी में ये आता है uh, यानी उसने स्टेटसको उस का हमें हामी नज़र आता है वो और uh, उसने वो ट्रेडिशनल फ़िलासफ़र हमें नज़र आता है कन्जरवेटिव माइंड नज़र आता है बिकॉज uh, अगर सिटीजनशिप के इशू की बात करें तो ग्रीस में इस्पेशली उस जमाने में एथेंस में uh, उसने सिर्फ़ और सिर्फ प्रिवलेज क्लास को अहमियत दी uh, यानी uh, अपर क्लास की मनापली कंसडर की जाती थी और दिस मनापली वॉज हेरेटेटरी इन नेचर एंड अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल द मनापली इन टाइटलिकल जुडिशल और डेलीबरेटिव मैटर्स यानी उसने स्लेब्स को फार्नर्स को बच्चों को ओल्ड पीपल को ख़वाी को, को कोई सिटीज़नशिप का दर्जा नहीं दिया आगे चलते हैं एरिस्टोटल डिनाइड सिटीजनशिप टू फार्नर ये मैंने जिक्र कर दिया है आ, लिखा हुआ है कि फार्नर वेमन मैनूल इवन काम करने वालों को मैनूअल वर्कर्स को भी कोई सिटीजनशिप का दर्जा नहीं दे रहा है ठीक है जी ई फर्दर अपॉइंटेड और फिर वो ये भी कहते हैं कि नेचर उनको अकल नहीं दे रही है उनको विजडम नहीं दे रही है और वो इसके लिए फिट नहीं है उनके उनकी लेयर और सफिशेंट इकनॉमिक उनकी मेंटल कैपेबिलिटीज़ नहीं है तो इसलिए उनको हम सिटीज़नशिप का दर्जा नहीं देते और फिर वो ये आगे चल कर ये कहता है कि उनके पास सिटीजनशिप के लिए प्री रिक्स नहीं हैं वो कहता है कि सिटीज़नशिप के लिए प्री रिक्स क्या हैं एक मकान होना चाहिए एक रेजिडेंस होनी चाहिए आपके पास राइट ऑफ स्विंग एंड टू बी स्वीट होनी चाहिए राइट ऑफ आउट शुड बी रूल एंड टू बी रूल्ड ठीक है उनके को दीज आर डेलीबरेट फंक्शंस इसी तरह से उसके उसको उसके पास जो है वो इंटेलेक्ट होने चाहिए उसके पास वो और तमाम वो जो एक की उसने राइट और रॉन्ग की उसके पास जजमेंट होनी चाहिए और वो तब जाकर ये क्वालिटीज़ होंगी ये प्री रेजिस्टर्ड सिटीज़नशिप की होंगी तो उसे हम सिटीज़नशिप का दर्जा देंगे ठीक है जी फिर आगे चल कर उसने ये भी कहा हुआ है कि इसमें आप देखेंगे वो कहता है कि सिटीज़नशिप हम हर शख्स को नहीं देते हम उस शख्स को देते हैं जो कि स्टेट की वेलफेयर के लिए काम करता है स्टेट के लिए काम करता है एक अच्छा आदमी तो यानी वो कहते हैं ना सिटीज़न में नॉट बी अ गुड मैन A good citizen is one who does good for the welfare of the state. or uh, a good citizen should know how to rule as well as how to obey. a good man is one who is fit to, uh, to rule. but the citizen is a constitutional state learns uh, to rule by obeying uh, uh, orders. Therefore citizenship is such a state is a moral training. एस्टोट स्ट्रांगली बिलीव डेट मिडिल क्लास एव पावरफुल तो इसने मिडिल क्लास को ज़्यादा अहमियत दी और मिडिल क्लास को और अपर क्लास को ज़्यादा अहमियत दी बाकी को उसने जो है वो कोई अहमियत नहीं दी यानी अगर ये देखा जाए तो ये वेल्थ की और प्रॉपर्टी को अहमियत दे रहा है या कैपिटलिस्ट को ज़्यादा अहमियत दे रहा है और वर्किंग क्लास के अगेंस्ट जा रहा है यहाँ से एक नया इसने और ये आइडिया हमें आगे करंट उसमें भी नज़र भी आता है सो स्लेवरी स्लेव्स को और इन लोगों को इसने कोई सिटीज़नशिप का दर्जा नहीं दिया uh, ठीक है जी आगे इसके हाँ व्हाट इज़ अ सिटीज़न सिटीज़न है कि एरिस्टोटल के मुताबिक अ सिटीज़न इज़ अ पर्सन वो पार्टिसिपेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस

For citizenship, only if a person participate in the administration of justice or legislation may sla So, in other words, a citizen must possess essential attribute of ruling, be ruled, and at the same time be ruled. Okay, or lawyer remains essential condition of citizenship because without it, uh, none can. कल्टिवेट विंडोट दैम सेल्फ टू द अफेयर्स ऑफ द स्टेट अरिस्टोटल एक्सक्लूज वेमेड मैन वो इनको वो इन लोगों को क्यों सिटीजनशिप से हटा रहा है क्यों उनको दर्जा नहीं देता है स्लेब्स को वेमेंस को ओल्ड uh, पीपल को वो कहता है कि ये लोग फिजिकली भी फ़िट नहीं होते और इंटोलक्चुअली भी या मैंटली uh, या इंटोलैक्चुअली भी फिट नहीं होते एम मेच्योर होते हैं और फिर पॉलिटिकली भी एम मेच्योर होते हैं इसीलिए इनको इस इसका हिस्सा ही नहीं बनाते ठीक है लेकिन इसकी इस इन, इसको हम इसके इस नोशन को हम एक तनकीद से भी देखते हैं इसकी तनकीद ये है कि मेरे इन पॉइंट में अगर आप देखें तो यहाँ से आपको ये नज़र आएगा कि यह कंजरवेटिव माइंड था ये स्टेटस स्ट्रे, स्ट्रे, को कहाँ आमी था ये फ़िलासफ़र ट्रेडिशनल फ़िलासफ़र था और इसने पूरे वर्किंग क्लास को कोई जगह नहीं दी है इसने इसनेिवलेज क्लास को अहमियत दी है अपर क्लास को और मिडिल क्लास को अहमियत दी है इसने ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर की जो फ़िलासफ़ी है यूटिलिटेरियन फिलासफ़ी इसको इग्नोर किया है ग्रेटेस्ट नंबर ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर्स ये यानी यूटिलिटेरियन फ़िलासफी है इसके अगेंस्ट ये गया है क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर तो ज़्यादा आपको काम करने वाले वर्किंग क्लास नजर आएगी तो इसने उनको अहमियत नहीं दी और फिर ज़्यादा काम करने वाले जमहूरीत में आजकल की मॉडर्न उसके भी मॉडर्न डेमोक्रेसी के कंसेप्ट के भी अगेंस्ट जा रहा है कि आप इसको यानी आप पॉपुलर सोवरन सवरनिटी के अगेंस्ट जा रहे हैं और उनको कोई अहमियत नहीं दे रहे हैं ठीक है लेकिन बावजूद इसके इसकी इस, इस नोशन को उस जमाने के हवाले से तो अहमियत दी गई है और अब भी और एक वो कामन चीज़ हमें नज़र आती है कि उसने कम अज़ कम जो है वो उसने उसने ऑफर की थी एक थेरी ऑफ सिटीज़नशिप की जो कि एक प्राइमरी कंसेप्ट था सिटी स्टेट का जो कि आज भी मौजूद है तो स्टूडेंट्स ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड टू लेक्चर अबाउट एरस्टोटल्स कंसेप्ट अबाउट सिटीजनशिप एंड द स्लेवरी थैंक यू वेरी